हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का बर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्लियर, ट्रांसलेसेंट भी बोलते हैं और लिसिड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पारदर्शी, साफ। सैनोनियम क्या हो जाएगा, क्लियर। एंटोनियम क्या हो जाएगा, ओपेक्यू। नेबुलियस, नेबुलियस मतलब क्या हो, जो अस्पष्ट अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट नहीं हो। अगला ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट मतलब भी ट्रांसपेरेंट जाता है, क्लियर जाता है। डाइफेनोस, डाइफेनोस मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट होता है। डाइफेनोस, इसका सैनोनियम क्या होगा, डाइफेनोस ट्रांसपेरेंट क्लियर। और एंटोनियम क्या हो जाए, ओपेक्यू वैग्यू, क्या होगा, ओपेक्यू वैग्यू, ओपेक्यू वैग्यू। अगला हॉरिबल, हॉरिबल मतलब होता है ड्रेडफुल, क्या होता है, ड्रावना। हॉरर मूवी देखे होंगे, यानी ट्रेरिवल, हॉरिबल। एंटोनियम क्या होगा, चार्मिंग, प्लेजेंट, गॉर्जियस। एंटोनियम क्या होगा, चार्मिंग, प्लीजेंट, गॉर्जियस। और ड्रेड ये हुआ गॉर्जियस, मतलब क्या हो गया, गॉर्जियस, चार्मिंग, प्लीजेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, लुभाना, चार्मिंग, प्लीजेंट है। आगे ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब भयानक होता है। साइनोनियम होगा घास्टली, ग्रीसली, टेरिवल, हॉरिबल। घास्टली मतलब है वावा, ग्रीसली मतलब है वावा, टेरिवल मतलब भरे वावा, हॉरिबल मतलब है वावा। एंटोनियम देखें तो अट्रैक्टिव हुआ, प्लीजेंट हुआ। अगले हीनियस, हीनियस क्राइम बोलते हैं, तो विलेनियस, विलेनियस मतलब भी दुष्ट होता है, क्या होता है, विलेनियस मतलब दुष्ट, हीन यानी विलेनियस। नेफेरियस मतलब भी हीन होता है, विक्ट मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट। नेफेरियस भी दुष्ट, विलेनियस भी दुष्ट। आगे देखते हैं, इसका एंटोनियम होगा वर्टुअस, वर्टुअस और एग्रीएबल, पॉजिटिव सेंस है। वर्टुअस मतलब उसका पॉजिटिव है, दुष्ट नहीं है। एग्रीएबल मतलब भी पॉजिटिव सेंस है। नेफेरियस मतलब क्या होता है, परवर्स, विक्ट, परवर्स, विक्ट, ये हुआ क्या चीज़, इसका दुष्ट हुआ, परवर्स, विक्ट। और इनिक्यूटियस, इनिक्यूटियस, परवर्स, विक्ट, ये क्या हुआ, नेफेरियस का सैनोनियम हुआ। एंटोनियम क्या हुआ, वर्टुअस हुआ, प्लीजिंग हुआ, वर्टुअस हुआ, प्लीजिंग हुआ। अगला विक्ट, विक्ट मतलब नेफोरियस, नेफेरियस, नेफोरियस हुआ, इमोरल हुआ, डिसोल्यूट हुआ, यानी चरित्र हुआ। विक्ट किसको बोलते हैं, जो नेफेरियस है, इमोरल है, डिसोल्यूट है, जो चरित्रहीन है, यानी नेफेरियस है, इमोरल है, डिसोल्यूट है। एंटोनियम का बात करें तो इसका गुड हो जाएगा, राइटियस हो जाएगा। अगला परवर्स, परवर्स मतलब होता है नेफेरियस, जो क्या है, दुष्ट है, परवर्स, परवर्स मतलब नेफोरियस हुआ, दुष्ट हुआ, विक्ट हुआ। और एंटोनियम का बात करें तो डोसाइल, एग्रीएबल, जो दुष्ट नहीं हो, डोसाइल हो, एग्रीएबल हो, डोसाइल, एग्रीएबल हो, जो क्या, डोसाइल हो, एग्रीएबल हो, जो क्या, दुष्ट नहीं हो। मतलब हॉरिबल, हॉरिफिक मतलब होता है ड्रेडफुल, हॉरिफिक मतलब ड्रेडफुल, ऑयफुल, ऑफुल, ड्रावना। हॉरिबल मतलब ड्रेडफुल, ऑफुल, ड्रावना, यानी सैनोनियम जाएगा ड्रेडफुल और ऑयफुल। एंटोनियम का बात करें तो प्लीजिंग, एग्रीएबल, एंटोनियम क्या होगा, प्लीजिंग, एग्रीएबल। अलग कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं उसको, क्या कल्मिनेशन बोलते हैं। क्लाइमेक्स भी साइनोनियम होगा हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमेक्स। एंटोनियम होगा बिगनिंग। अगला अपोजी, अपोजी मतलब हाईएस्ट पॉइंट, अपोजी मतलब हाईएस्ट पॉइंट। असीम बोल सकते हैं, अकीम, पीक, अपेक्स, ये सारे हाईएस्ट पॉइंट का। एंटोनियम होगा नदीर वेस, नदीर वेस। अला फरोर, फरोर मतलब कमोशन, हंगामा, फरोर मतलब कमोशन, हंगामा। डिस्टर्बेंस करना, अप्रोर करना, टर्मोइल करना, डिस्टर्बेंस करना, अप्रोर करना, टर्मोइल करना, ये सारे हंगामा के सेंस। एंटोनियम क्या हो जाएगा, पीस होगा, काम होगा, ट्रैंक्विलिटी होगा। अला कमोशन, कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस करना, क्या करना, डिस्टर्बेंस करना, टर्मोइल करना, डिस्टर्ब कर, डिस्टर्बेंस करना, अप्रोर करना। एंटोनियम क्या होगा, पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी। अगला टमलेट, टमलेट मतलब होता है अप्रोर, हंगामा करना। टमलेट मतलब क्या होता है, सैन्य अप्रोर, हंगामा करना, कोलाहल करना, टमलेट। इसका सैन्यम हो जाएगा टर्मोइल, कमोशन, अप्रोर, टर्मोइल, कमोशन, अप्रोर। एंटोनियम क्या होगा, पीस, साइलेंस, क्या होगा, पीस, साइलेंस। अगला टमल्टियस, टमल्टियस मतलब होता है अप्रोरियस, अप्रोरियस, नोइस, यानी हंगामा, कोलाहल के सेंस में बोलते हैं टमल्टियस का। टमल्टियस मतलब क्या होता है, अप्रोरियस, नोइसी, हंगामा, कोलाहल। इसका सैनोनियम जाएगा अप्रोरियस नोइसी, अप्रोरियस नोइसी। एंटोनियम क्या हो जाएगा, काम। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब वॉयलेंट, अनसेटल, अनकंट्रोल, जो अनियंत्रित हो, अनसेटल हो, वॉयलेंट हो, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट, आसान। सैनोनियम की बात करें तो वाइल्ड हो गया, वॉयलेंट हुआ, टेम्पेस्टियस हुआ, टेम्पेस्टियस, वाइल्ड, वॉयलेंट। एंटोनियम की बात करें तो काम, प्लेसिड, पीसफुल, काम, प्लेसिड, पीसफुल।
अलग टर्बुलेंस, टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस हुआ, कमोशन हुआ, टर्मोइल हुआ, एजिटेशन, एजिटेशन, कमोशन, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, ये टर्बुलेंस का क्या होगा, साइनोनियम हो गया, ये डिस्टर्बेंस, कमोशन, टर्मोइल, अप्रोल, अशांति, टर्मोइल, अप्रोल, कमोशन, अप्रोल, एंटोनियम होगा पीस, काम, कामनेस, अलग अटिज्म, अटिज्म मतलब ग्रे, सिस्टा, अटाइज्म, ए डबल टी आई सी आई, अटाइज्म मतलब ग्रे, सिस्टा, सिस्टा, साइनोनियम क्या होगा, एलिजेंस, एंटोनियम क्या होगा, क्रूडिनेस, क्रूडिनेस, अलग मिलेनियम, मिलेनियम एनवायरनमेंट सराउंडिंग, माहौल, मिलियो मतलब मिल गया, एनवायरनमेंट सराउंडिंग क्या होगा, एनवायरनमेंट सराउंडिंग, एंटोनियम हो गया नो, इसके लिए अवेलेबल है, मतलब इम्पोस्ट, इम्पोस्ट, इम्पोस्ट मतलब होता है टैक्स, क्या होना, इम्पोस्ट मतलब टैक्स लगाना, इम्पोस्ट मतलब टैक्स लगाना, एंटोनियम होगा कैपिटल, एंटोनियम क्या होगा, कैपिटल, मतलब इनोक्यूस मतलब हानि रहे, लाभदायक, हार्मलेस हुआ, बिना हानि, हानि मतलब उसमें किसी तरह का हानि नहीं है, हार्मलेस हुआ, एंटोनियम क्या होगा, हार्मफुल, इंजूरियस, अलग सुपरस्टिशियस मतलब इरेशनल, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, साइनोनियम क्या होगा, इरेशनल, एंटोनियम होगा रेशनल, अलग जेडेड, जेडेड मतलब होता है टायर्ड, फैचकी, थका हुआ, जेडेड मतलब थका हुआ, जडेजा क्रिकेट में टायर्ड हुआ, फैचकी हुआ, फैचकी हुआ, एंटोनियम एनर्जेटिक हुआ, फ्रेश हुआ, तो जेडेड का क्या हो जाएगा, साइनोनियम टायर्ड, थका हुआ, जेड मतलब टायर्ड, थका हुआ, फैचकी हो गया, फैचकी, एंटोनियम होगा चीयर, खुशी के सेंस में चीयर, अलग ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब वेट लेट यार, धोखा देना, वेट लेट यार, और एंटोनियम क्या होगा, लॉयल्टी, एंटोनियम क्या होगा, लॉयल्टी, वे एंटोनियम क्या होगा, लॉयल्टी, अगला ट्रेचरियस मतलब फ्रॉड, ट्रेचरियस मतलब फ्रॉड हुआ, ट्रेचरियस मतलब फ्रॉड, धोखा देना, परफिडियस, परफिडियस, विश्वासघाती, फ्रॉड, एंटोनियम क्या होगा, फेथफुल, डिवॉट, फेथफुल, डिवॉट, लोयल, अगला मोलीफाई, मोलीफाई मतलब शांत करना, मोलीफाई मतलब शांत करना, पैसिफाई करना, सूथ करना, एज्यूएज, अले, काम, अपीस, अपीस, काम, अले, अपीस मतलब शांत करना, काम मतलब शांत, शांत करना, अले, असेज मतलब शांत करना, सूथ, पैसिफाई, एंटोनियम प्रोवोक, अनोय, प्रोवोक, अनोय, मतलब बेटरे, बेटरे मतलब डिसलोयल, धोखा देना, डिसीव करना, बेटरे मतलब डिसलोयल, धोखा देना, सैनोनियम डिसलोयल, डिसीव करना, ड्यूप करना, डेल्यूड करना, डेल्यूड, डेल्यूड, ड्यूप, डिसीव, डिसलोयल, ये सारे क्या, धोखा देना, तो अनडिसीव और लोयल हो जाएगा इसका एंटोनियम, मतलब बेट्रेल मतलब ट्रेचरी, डिसलोयल, बेट्रेल मतलब ट्रेचरी, डिसलोयल, विश्वासघात करना, ट्रेचरी, धोखा देना, एंटोनियम लॉयल्टी होगा, बेट्रेल मतलब ट्रेचरी, डिसलोयल्टी, साइनोनियम होगा ट्रेचरी, एंटोनियम होगा क्या होगा, लॉयल्टी, मतलब मेट्रोपॉलिटन मतलब आरवन, महानगर, महानगर, म्यूनसिपल बोल सकते हैं, आरवन बोल सकते हैं, सिटी, एंटोनियम होगा रूरल, रूरल प्रोविंस, अलग अलग कैलोस मतलब संवेदनहीन, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, उसको बोलते हैं कैलोस, साइनोनियम होगा इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, एंटोनियम क्या होगा, सेंसिटिव, काइंड, कंपेसिनेट, सिंपैथिक, पैथिक, 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 कंपेसिनेट, सेंसिटिव, काइंड, मतलब कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब लॉजिक, समझने में सरल, लॉजिकल है, लॉजिकल है, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल, एंटोनियम होगा इलॉजिकल, इनकोहेरेंट, मतलब फ्रीटर, फ्रीटर मतलब स्क्वेंडर, वेस्ट गवाना, फ्रीटर मतलब स्क्वेंडर, वेस्ट गवाना, फ्रीटर मतलब क्या होता है, स्क्वेंडर, वेस्ट गवाना, सेव करना, हॉर्ड करना, बचाना, फ्रीटर वे मतलब स्क्वेंडर, वेस्ट गवाना, फ्रीटर मतलब क्या होता है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर, वेस्ट, डिसिपेट, डी सी डी आई डबल एस आई पी, डिसिपेट मतलब भी क्या होता है, वेस्ट मतलब कि गवाना, वेस्ट का डिसिपेट, डिसिपेट मतलब भी क्या होता है, गवाना, सेव मतलब बचाना, मतलब ग्रीट मतलब वेलकम, वेलकम हुआ, हेल हुआ, हेल मतलब भी क्या होना, वेलकम करना, एंटोनियम क्या होगा, इग्नोर, नेगलेक्ट, हेल, हेल हुआ, वेलकम हुआ, सारे मतलब क्या करना है, वेलकम करना, एंटोनियम मतलब इग्नोर, नेगलेक्ट, डिसिपेट मतलब क्या होना, बर्बाद करना, डिसिपेट, डिसिपेट बर्बाद करना, अगला ग्रेव मतलब सीरियस, ग्रेव मतलब सीरियस हुआ, सोलेमन, सोलेमन मतलब ये सीरियस, सीरियस हुआ, और एंटोनियम मतलब फ्रिवलस, बिना सीरियस के, सोलेमन मतलब क्या होता है, सीरियस, सोलेमन मतलब सीरियस, अलग ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब सीरियस हुआ, सोबरिटी होता, गंभीरता, ग्रेविटी मतलब सीरियस, सोबरिटी, सीरियसनेस, सोबरिटी, सीरियसनेस, एंटोनियम होगा लेविटी, लेविटी हुआ, फ्राइबिलिटी हुआ, क्या होता है, लेविटी हुआ, फ्राइबिलिटी हुआ, लेविटी, फ्राइबिलिटी, अगला ग्रेवली, ग्रेवली मतलब सीरियसनेस, सीरियस हुआ, डीपली हुआ, सीरियसली हुआ, एंटोनियम होगा लाइटली, कामली, लेविटी मतलब बिना सीरियस के, फ्राइबिलिटी मतलब बिना सीरियस के, कैलो, कैलो मतलब इनएक्सपीरियंस, अनुभवी, एनेव, इनएक्सपीरियंस, एंटोनियम क्या होगा, एक्सपीरियंस, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, जो क्या, अनुभव है,
नियोफाइट मतलब बिगिनर, एंटोनिम होगा एक्सपर्ट, साइनोनिम होगा बिगिनर, नोवाइस रुकी, रुकी सोफिस, रुकी बिगिनर नोवाइस, ये सारे साइनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। फ्लेडजिंग मतलब बिगिनर, नोवाइस फ्लेडजिंग मतलब बिगिनर, नियोफाइट रुकी, नियोफाइट नोवाइस बिगिनर, रुकी नियोफाइट, ये सारे क्या हुआ, फ्लेडजिंग हुआ। बिगिनर नोवाइस रुकी नियोफाइट टायरो अप्रेंटिस, ये सारे क्या होगा, जो क्या सीखता हो मतलब कि जो बिगिनर हो। एंटोनियम क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एक्सपर्ट। एलर्ट, एलर्ट मतलब एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब खुश करना, एलर्ट मतलब एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब खुश करना। साइनोनियम क्या होगा, एक्सेलरेट। एंटोनियम क्या होगा, डिप्रेस्ड मतलब एलर्टेड, एलर्ट मतलब एक्साइटिक, ECS एक्साइटिक मतलब प्रफुल्लित खुशी होना, एक्साइटिक, एक्साइटिक मतलब खुशी होना। साइनोनियम एक्साइटिक डिलाइटेड। एंटोनियम क्या होगा, सैड डिसअपॉइंटेड डिप्रेस्ड डिसहार्टेड, डिसहार्टेड डिप्रेस्ड डिसअपॉइंटेड सैड। एलेशन मतलब एक्सकैटसी ब्लीस खुशी, खुशी खुशी के सेंस में एक्सटैसी ब्लीस खुशी, एक्साइटिक ब्लीस। एंटोनियम क्या होगा, सैडनेस डिप्रेस, सैडनेस डिप्रेस। मतलब स्टॉल वॉट, स्टॉल वॉट मतलब ब्रेव निर्भीक बहादुर, स्टॉल मतलब ब्रेव। सैनोनियम क्या होगा, वैलियंट, वैलियंट ब्रेव, इंट्रिपीड, इंट्रिपीड क्रेजियस फियरलेस, फियरलेस जो बिना डर का क्रेजियस, इंट्रिपीड मतलब बहादुर, वैलियंट बहादुर, ब्रेव बहादुर। एंटोनियम क्या होगा, क्वाडली क्रैवेन, क्रैवेन पसिलेनेमियस, पसिलेमनेसिया क्या होगा, क्वाडरली क्रैवेन पसिलेनेमियस, क्वाडरली क्रैवेन पसिलेनेमियस जो क्या हो, निर्भीक नहीं हो। इंट्रिपेड मतलब क्या हो, निर्भीक होना। डेयर डेविल ड्रेवल करेजियस साहसी, करेजियस बोल्ड होगी। एंटोनियम क्या होगा, क्वाड फियरफुल, डेयरिंग मतलब क्या होगा, करेजियस, डेयरिंग मतलब करेजियस। एंटोनियम करेजियस बोल्ड, एंटोनियम क्या होगा, क्वाड फियरफुल, क्वाड फियरफुल। अलग वैलियंट, वैलियंट मतलब करेजियस, करेजियस हुआ, ब्रेव हुआ, डॉन्टलेस हुआ। वैलियंट मतलब क्या, करेजियस हुआ, ब्रेव हुआ, डॉन्टलेस हुआ। साइनोनिम हुआ फियरलेस, फियरलेस करेजियस। वैलियंट मतलब करेजियस पराक्रमी, फियरलेस करेजियस। एंटोनियम क्या होगा, अफ्रेड फियरफुल टिमिड। वैलियंट मतलब करेजियस, डॉन्टलेस जो क्या हो, डॉन्टलेस मतलब पराक्रमी, हीरोइक मतलब करेजियस, ब्रेव गैलेंट। एंटोनियम टिमिड फियरफुल, ऑडेसियस मतलब साहसी, डेयरिंग बोल्ड, बोल्ड डेयरिंग, डेयरिंग फियरलेस। एंटोनियम क्वाड टिमिड क्वाडरली। वैलर मतलब ब्रेवरी फोर्टिट्यूड बहादुरी, ब्रेवरी फोर्टिट्यूड ब्रेवरी करेज गैलेंट्री हीरोइज्म। इंट्रिपिडिटी, इंट्रिपिडिटी हुआ ब्रेवरी हुआ करेज हुआ गैलेंट्री हुआ, ये सारे मतलब क्या हो, बहादुरी। एंटोनियम होगा टिमिड फियरफुलनेस क्वाडाइस। अरे अनडाउटेड मतलब फियरलेस, अनडाउटेड फियरलेस निडर, अनडाउटेड मतलब फियरलेस, फियरलेस फियरलेस। एंटोनियम क्या होगा, क्वाड पिटीफुल मतलब डेंजर, पिटीफुल मतलब डेंजर, रिस्की रिस्की पिटीफुल मतलब डेंजर, पिटीफुल मतलब क्या होता है साथियों, डेंजर, डेंजर रिस्की हजार खतरा, खतरा रिस्क डेंजर। एंटोनियम सेफ्टी। अलग रेमेसिस, रेमेसिस मतलब केयरलेस लापरवाह, लापरवाह यानी नेग्लिजेंट हीडलेस केयरलेस इनअटेंटिव। तो एंटोनियम क्या होगा, थॉटफुल केयरफुल चैरी हीडफुल, हीडफुल चैरी थॉटफुल, ये सारे केयरफुल का सेंस में मतलब जो लापरवाह नहीं है। फेकलेस मतलब कि लापरवाह, केयरलेस हुआ, फेकलेस मतलब केयरलेस। एंटोनियम क्या होगा, केयरफुल। रेकलेस मतलब क्या होता है, केयरलेस फेकलेस लापरवाह, केयरलेस फेकलेस थॉटलेस। एंटोनियम क्या होगा, कॉशियस मतलब जॉन्ट, जॉन्ट मतलब ट्रिप यात्रा, जॉन्ट मतलब ट्रिप जर्नी ट्रिप। एंटोनियम मतलब स्टे। लोइटर, लोइटर मतलब डुएडल, लोइटर मतलब डुएडल, डुएडल डुएडल अवारगी, अवारगी अवारगी लोइटर मतलब डुएडल अवारगी। एंटोनियम होगा पंक्चुअल हेस्टन जल्दी जल्दी हरी जल्दी। मतलब अपक्यू नॉट ट्रांसपेरेंट डार्क, अपक्यू मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट डार्क, नॉट ट्रांसपेरेंट। एंटोनियम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट क्लियर। अगला मोली, मोली कोडल, मोली कोडल मतलब कोसट कोडल पैम्पर लाड़ प्यार का नाम, कोडल कोडल पैम्पर कोसट पैम्पर कोडल हुआ पैम्पर हुआ लाड़ प्यार। एंटोनियम होगा इग्नोर इग्नेग्लेक्ट कोडल कोडल पैम्पर मोली कोडल मतलब। फोंडल मतलब केयर एस लाड़ प्यार, फोंडल से केयर एस केयर एस। एंटोनियम इग्नोर इग्नेग्लेक्ट इग्नेग्लेक्ट। एनिगिमा मतलब पजल मिस्ट्री, एनिगिमा मतलब पजल मिस्ट्री। राइडल, राइडल मिस्ट्री कनंड्रम कनंडम राइडल आर डब्ल्यू राइडल मिस्ट्री कनंड्रम मतलब पजल। एंटोनियम क्लियरनेस क्लैरिटी क्लैरिटी। साइनोनियम क्या होगा, मिस्ट्री रिडल कनंड्रम कनंड्रम रिडल मिस्ट्री एनिगिमा का हुआ पहेली हो गया। एनिग्मैटिक मतलब मिस्टीरियस पजलिंग रहस्यमय रहस्यमय। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी क्लियरनेस प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारे क्या होगा एंटोनियम हो जाएगा। लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना प्रेस अक्लेम एक्सटॉल एक्सटॉल मतलब प्रशंसा करना क्लॉड क्लेम। एंटोनियम होगा हेच।
अगला अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, कमेंट प्रशंसा करना, एंटोनियम सेंसर क्रिटिसाइज करना, एक्सटॉल मतलब प्रशंसा करना, याद रखिएगा। लॉडेटिव मतलब प्रशंसा, प्रेज करना, सिनोनिम हो गया, एंटोनियम हो गया अब्यूसिव, एंटोनियम क्या होगा अब्यूसिव, डिस्पिसिंग, अब्यूसिव, अब्यूसिव, ए बी यू एस आई वी एस, अब्यूसिव, डिस्पिसिंग, डिस्पिसिंग। लॉडेबल मतलब प्रेज, प्रशंसा करना, प्रेज हुआ, एंटोनियम क्या होगा अब्यूसिव, अब्यूसिव, जो प्रशंसा नहीं करता, डिस्पिसिंग हो सकते हैं। मतलब प्लॉडिट, प्लॉडिट मतलब प्रशंसा करना, अक्लेम करना, प्लॉडिट मतलब प्रशंसा करना, अक्लेम करना। सिनोनिम होगा प्रेस, एंटोनियम का पेजोरेटिव, पेजोरेटिव, एंटोनियम क्या होगा पेजोरेटिव। यूलोजी मतलब प्रेस, प्रशंसा करना, प्रेस, एनकोमियम, एनकोमियम, एनकोमियम होगा प्रेस करना, मतलब कि प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। हेट मतलब जो प्रशंसा नहीं करता, क्रिटिज्म मतलब जो प्रशंसा नहीं करता। यूलोजिस्टिक मतलब लॉडेटरी, कम्प्लीमेंट्री, पैनिजेरी, पैनर्जिक, 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 कम्प्लीमेंट्री, लॉडेट्रिक, लॉडेट्रिक, ये प्रशंसा करना होता है, कम्प्लीमेंट्री, लॉडेट्रिक, पैनिजेरिक। एंटोनियम क्या होगा क्रिटिकल। यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना, यूलोजाइज मतलब प्रशंसा करना। सिनोनिम एक्सटेल, एक्सटॉल, लॉर्ड, प्रेस, एक्सटेल, एक्सटॉल। एंटोनियम होगा डिमेन, डिसग्रेस, डिसऑनर, डिमेन, डिसग्रेस, डिसऑनर। कमेंट मतलब प्रशंसा करना, प्रेस करना। एंटोनियम क्या होगा क्रिटिसाइज करना, थ्रेटन करना। कमेंडेशन, कमेंडेशन मतलब कमेंडेशन मतलब भी कमेंडेशन मतलब प्रशंसा करना। इनकोमियम करना, अकमलेशन करना, इनकोमियम। एंटोनियम सेंसर, कंडमनेशन, निंदा करना, डिसअप्रूवल, क्रिटिज्म। अलग कमेंड, कमेंडेड मतलब प्रेस मतलब प्रशंसा करना, पे अपलॉड करना, कम्प्लीमेंट करना, प्रेस करना, लॉड करना। एंटोनियम होगा अपग्रेड, अपग्रेड, एंटोनियम क्या अपग्रेड, जो प्रशंसा नहीं करता, अपग्रेड, अपग्रेड। कमेंडेबल मतलब प्रेस वर्दी, कमेंड प्रेस वर्दी। एडमिरेबल, अपलॉडेबल। एंटोनियम होगा डिस्टेस्टेबल, डिसऑनरेबल, डिटेस्टेबल, डिसऑनरेबल, अपग्रेड, जो प्रशंसा नहीं करता। डिस्पोनेंट मतलब सैड, डिप्रेस, डिस्पोनेंट, सैड, डिप्रेस, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, अनहैप्पी, डिजेक्टेड, डिप्रेस, डिजेक्टेड, सैड, डिस्पोनेंट मतलब डिस्प्रे। मिलनकोली, मिलनकोली, मिलनकोली मतलब सैड होता है। एंटोनियम होगा होपफुल, चीयरफुल। डिस्पोंडेसी मतलब सैड, मिलनकोली, डिप्रेशन, डिजेक्शन, मिलनकोली, डिप्रेशन, डिजेक्शन। एंटोनियम जॉय, चीयरफुलनेस। मतलब मोरस, मोरस मतलब सैड, ग्लूमी, सलन, सैड, ग्लूमी, मोरस, मोरस, मोरस। सिनोनिम ग्लूमी, एंटोनियम हैप्पी, चीयरफुल। डोलड्रम, डोलड्रम मतलब सैड, दुखी। डोलड्रम मतलब सैडनेस, मेलनकोली, सो डोलड्रम सैड। एंटोनियम जॉय, एलेशन, हैप्पीनेस। मेलनकोली मतलब ग्लूमी, सोरोफुल, ग्लूमी, सोरोफुल, ग्लूमी, सोरोफुल, सैड, ग्लूमी। एंटोनियम होगा चीयरफुल। अगला रिप्रो, रिप्रो मतलब रिप्रो मतलब रिव्यू, सेंसर, डांटना। रिप्रो मतलब रिव्यू, सेंसर, डांटना, रिप्रो, रिव्यू करना। एंटोनियम प्रेस करना, अपलॉड करना। रिप्रो मतलब रिव्यू, सेंसर, स्कॉल्ड, डांटना। अला लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट मतलब बेरेट, आलोचना करना। लैम्बेट मतलब बेरेस्ट, बेरेट, आलोचना करना, बेरेट करना। एंटोनियम कम्प्लीमेंट, प्रेस करना। लैम्बेस्ट मतलब बेरेट करना, बेरेट मतलब आलोचना करना। और ऊपर क्या था, रिव्यू मतलब रिव्यू, सेंसर, बारो, निंदा करना। और लैम्बेट मतलब बेरेट, आलोचना करना। रिप्रोच मतलब एडमोनिस, बेरेट करना। रिप्रोच मतलब एडमोनिस, बेरेट, बेरेट मतलब निंदा करना, एडमोनिस करना, एडमोनिस करना। एंटोनियम क्या होगा प्रेस, प्रेस करना। डिक्रे, डिक्रे मतलब क्रिटिज्म, कंडेम, क्रिटिज्म, क्रिटिज्म, क्रिटिज्म करना, कंडेम करना। डिक्रे मतलब डिक्रिटिज्म, डिक्रे। एंटोनियम क्या होगा प्रेस। अगला डायमंड, डायमंड कंडेम, डी एम डायमंड मतलब निंदा करना, क्रिटिज्म करना, क्रिटिज्म करना, कंडेम करना, डायमंड। एंटोनियम क्या होगा प्रेस। रिव्यू मतलब रिप्रूफ, 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 रिप्रूफ करना, रिप्रूफ करना, रिव्यू मतलब रिप्रूफ। एंटोनियम प्रेस, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। अगला फ्लैटरी, फ्लैटरी हो गया कम्प्लीमेंट, फ्लैटरी होगा कम्प्लीमेंट, फ्लैटरी होगा प्रेस करना, कम्प्लीमेंट करना, फ्लैटरी करना। मतलब क्या होगा पॉजिटिव सेंस, किसी को प्रेस कर रहे हैं, फ्लैटरी कर रहे हैं। अला रिब्यूक्ड मतलब स्कॉल्ड, डांटना। रिब्यूक्ड मतलब एंटोनियम क्या होगा प्रेस। अला इरेस्किवल मतलब इरिटेबल, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा। इरिटेबल, टेस्टी, पेट्यूलेंट। इरिटेबल, टेस्टी, पेट्यूलेंट मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, टेस्टी, पेट्यूलेंट, इरिटेबल, पेट्यूलेंट। एंटोनियम होगा अमीएबल, प्लेजेंट, फ्रेंडली। अला पेविस, पेविस मतलब बैड टेम्पर, बैड टेम्पर, चिड़चिड़ा। इरिटेबल, टेस्टी, फ्रेटफुल, फ्रेटफुल, टेस्टी, टेस्टी, फ्रेटफुल, इरिटेबल। एंटोनियम अफेबल, प्लेजेंट, फ्रेंडली, जेनियल। अफेबल, फ्रेंडली, जेनियल, फ्रेंडली, प्लेजेंट, ये सारे क्या होगा एंटोनियम हो गया। अला ग्रम्टी, ग्रम्टी बैड टेम्पर, बैड टेम्पर, कंटेंट केरियस, चिड़चिड़ा, इरिटेबल, चर्लिस, चर्लिस, बैड टेम्पर, कंटेंट केरियस, इरिटेबल।
चर्लीस इरिटेबल कंटेंट क्रिएट्स बैड टेम्पर। एंटोनियम क्या होगा? प्लेजेंट एग्रीएबल। बोरिंग मतलब उबाऊ। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। हेल्थ मतलब सेहत। डिसीज मतलब बीमारी। अराइवल मतलब आगमन। प्रीपर्च मतलब प्रस्थान। बेनिफिट मतलब लाभ। लॉस मतलब घाटा। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। नेचुरल मतलब प्रकृति। तो यह था साथियों चैनल पेविस मतलब बैड टेम्पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा लोग तक।